भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण पर 6 बालिक पहलवानों के यौन शोषण केस की मंगलवार को MP MLA कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि अब इस मामले में 1 जुलाई से आरोप पत्र पर बहस होगी, जिसके बाद कोर्ट आरोप पत्र पर संज्ञान लेगा। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि ये एक लंबा आरोप पत्र है, जिसके बाद उन्होंने मामले में सुनवाई स्थगित कर दी। नया आरोप पत्र दायर किया गया है, इस पर गौर करने दिया जाए। चूंकि एक लंबा आरोप पत्र है, इसलिए इस पर कुछ दिन विचार करने दिया जाएगा। इन 3 दिनों में कोर्ट 1500 पन्नों की चार्जशीट पर स्टडी करेगा। पहलवानों ने इस मामले की जांच के लिए कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने कोर्ट की निगरानी में मामले की जांच कराने की मांग की थी। अब महिला पहलवानों ने इस याचिका को वापस लेने की मांग की है। इस पर कोर्ट ने कहा है कि इस मामले को लेकर आरोप पत्र दाखिल हो चुका है, ऐसे में जांच की निगरानी की मांग वाली याचिका का अब कोई औचित्य नहीं। कोर्ट में पहलवानों के वकील ने ये भी कहा कि अगर आपको लगता है कि जांच की निगरानी की जरूरत है तो नई याचिका दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल 1500 पन्नों की चार्जशीट पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने कुछ दिन पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट पेश की थी। आरोपियों में ब्रजभूषण के अलावा WFI के असिस्टेंट सेक्रेटरी विनोद तोमर का नाम भी शामिल है। चार्जशीट में पहलवानों के मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान को अहम आधार माना गया है। ब्रजभूषण के खिलाफ करीब 7 गवाह मिले हैं। वहीं यौन शोषण की कथित जगह पर उनकी मौजूदगी के भी सबूत मिले हैं। चार्जशीट की पहली सुनवाई पर कोर्ट ने इसे MP MLA कोर्ट में ट्रांसफर किया था। इसके अलावा सोमवार को कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को चार्जशीट की एक कॉपी शिकायतकर्ता पहलवानों को देने के आदेश दिए हैं।